यूपी के हमीरपुर जनपद में सोमवार को जिला पंचायत परिसर में स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक अधिवक्ता का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। इस मामले में सपा जिला अध्यक्ष सहित 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मामला हमीरपुर के जिला पंचायत परिसर में बने समाजवादी कार्यालय का है, जिसमें काफी समय से सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह यादव के रिश्तेदार शिव सिंह यादव एडवोकेट रह रहे थे। शिव सिंह यादव कुरारा थाना क्षेत्र के जलाला गांव के रहने वाले थे। वह हमीरपुर में वकालत करते थे। सोमवार को सुबह सपा कार्यालय में शिव सिंह यादव का शव फांसी के फंदे पर लटका पाया गया। दोपहर बाद इस घटना से पूर्व वकील शिव सिंह यादव का एक पत्र पुलिस को मिला, जिसे मीडिया और अखबारों के कार्यालयों में भेजा गया था। इस पत्र पर सपा के जिला अध्यक्ष इदरीस खान निवासी मोदवा, अक्षयपाल उर्फ बबाली व उनकी पत्नी संध्या पाल पर आरोप लगाए गए हैं। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नाम लिखे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि सपा जिला अध्यक्ष उनसे कार्यालय खाली कराने का दबाव बना रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। यदि मुझे फांसी पर लटका पाया जाता है तो इन्हीं तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाए। इस पत्र को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दोपहर बाद अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश ने तमाम अधिवक्ताओं के साथ मिलकर जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर पैनल गठित कर शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। जिलाधिकारी के आदेश के बाद डॉक्टरों के पैनल ने अधिवक्ता के शव का पोस्टमार्टम कराया। सोमवार की देर शाम हमीरपुर सदर कोतवाली के सिंह ने बताया कि इस घटना में सपा जिला अध्यक्ष इदरीस खान बवाली पाल व बवाली पाल की पत्नी संध्या पाल के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है।